तरह के इयररिंग्स, थोड़ी सी नेक पीस डाला था, दिखा दूंगी आपको। तो इसी तरह की कंटिन्यू वीडियोस और व्लॉग वगैरह जिस तरह से आप मेरे इंटरेस्ट देखते हैं, वहाँ पे मीडिया वगैरह भी आई थी, महेश शर्मा जी आए थे और सुनील भराला जो हमारे वो हैं वो सब भी आए थे सम्मान के तौर पर। ये कुछ इस तरह का प्रोग्राम होता है दिव्य दक्षिणा से रिलेटेड परशुराम जी के उपलक्ष में। तो बस साड़ी वगैरह का जितना रोल था वो मैं निभा चुकी। तो और आगे आपको मिलेगी मेरी इसी वीडियो में इस साड़ी की ड्रैपिंग, वो भी आप देखते रहिए ट्यूटोरियल। तो बाय बाय, एंजॉय। तो नागपंचमी की सबको हार्दिक बधाइयाँ। शिव शंकर भगवान के साथ करते हैं आज की शुरुआत। और मैंने सोचा कि व्लॉग चाहे कल आए चाहे परसों, अभी करेंगे हम पूजा। पूजा मैंने नहीं की है, तो नागपंचमी है आज। ये व्लॉग आएगा नागपंचमी की, आपको हार्दिक शुभकामनाएं जो भी मेरी फ्रेंड्स फैमिली और दोस्त जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी मुझे भी आज नागपंचमी के दिन। बहुत बड़ी खुशखबरी बोल सकते हैं, खुशखबरी है कि मेरे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। आप सबकी दुआ है तो उसके लिए भी सेलिब्रेट करेंगे। जैसे भी होगा, क्या बनेगा, क्या खाने में बनाएगा, वो भी मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच इसी तरह से मेरे से जुड़े रहने के लिए, मेरी सारी व्लॉग्स वीडियोस देखने के लिए। तो आज नागपंचमी में मुझे तो मिल रही है बहुत बड़ी न्यूज़। तो आप भी इस सब में पार्टिसिपेट कीजिए क्योंकि आप सब मेरा हिस्सा हैं एक तरह से, क्योंकि आप रेगुलर मेरी वीडियोस और वो सब कंटिन्यू देखते हैं। तो ये वाला व्लॉग आएगा कल, मैं क्या पहनने वाली हूँ, ये तो मैंने कल पहना था और इसलिए मैंने सोचा कि रिसेंटली नागपंचमी की वीडियो डाल देती हूँ ये वाली, कि मैं आपको सेलिब्रेट कर दूँ और आपको एक गुड न्यूज़ दे दूँ कि मतलब क्या हुआ। और इस व्लॉग में आप देखिएगा कि कंटिन्यू वो जो तीज वाली मेरी वीडियो थी जो मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी उसकी वीडियो। देखिए रात के बज रहे हैं 10:30, 11:15 मीन्स 10:45 हो रहे हैं। और ये मेरा बेटा मेरे लिए क्या बना के लाया है, चाय और चाय के साथ पराठे। क्योंकि आपको पता है कि तीज के दिन मैंने लगवाई हुई थी मेहंदी और मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने इन सबको खिला दिया था। तो ये बोला कि मम्मी कि मैं आपके लिए पराठे बनाऊंगा क्योंकि आपने लगवाई है मेहंदी, इसीलिए उस दिन की है ये वीडियो। नेक्स्ट मॉर्निंग मिलते हैं आपको। हम कहाँ जा रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊँ कि मेरा बेटा शिवम जो मेरे साथ हमेशा एक कंपेनियन की तरह, एक दोस्त की तरह रहता है, तो वो बोलने लगा चलो मम्मी आज गोलगप्पा चैलेंज करते हैं। तो उसी के लिए हम आ गए मार्केट में गोलगप्पा खाने के लिए। तो देखिए गोलगप्पे कितने यम्मी एंड टेस्टी, और किस किस को गोलगप्पे पसंद है। और इस चैलेंज में ऑब्वियस श्योरली मैं ही जीती, क्योंकि आप सबको पता है मुझे गोलगप्पे खाने का कितना शौक़ है। और ये अपना क्विट कर गया तो हो गया गोलगप्पे का चैलेंज, और इस तरह से हो गई थी मेरी जीत। तो फिर चलेंगे घर पे और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे मेहंदी भी लगवानी थी। मैंने आपको दिखाया था कि उस रात मेहंदी के वाली रात सेजल ने किस तरह से मेरे लिए पराठे बनाए थे। ये सारे के सारे मेरी बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर गॉड गिव मी इतने केयरिंग बच्चे जो मेरे हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग रहते हैं। तो चलिए ये लेके आएगा मुझे मेहंदी लगवाने। आज इवनिंग का 8:30 बज गए हैं, 8:30 बजे मैं लगवा के आई हूँ मेहंदी। तो मेहंदी
मेरा डिजाइन मेहंदी का, जिस पर लिखवाया मैंने सुनील जी का नाम, क्योंकि मेहंदी तीज की जो होती है वो सुहाग के लिए रखी जाए, तो कुंवारी लड़कियां रहती हैं वो सिर्फ कपड़े वगैरह पहन के अपना शौक पूरा करती हैं, तो ग्रीन ग्रीन अभी तो मैचिंग चल ही रहा है, और कल डालूंगी मैं कुछ ना कुछ हरियाली तीज पे ग्रीन कलर की साड़ी। तो आप देखते रहिए मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड गुड नाइट और आप यू बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो? तो जैसा कि आज की मीटिंग हो रही है हैप्पी हरियाली तीज से, और हैप्पी हरियाली तीज की अभी कही है मैंने सुबह सुबह में मॉर्निंग, क्योंकि मुझे, मैं सोच रही थी आज की अपडेट सुबह सुबह मॉर्निंग में ताज़ी ताज़ी दे देती हूँ, और उसके बाद ये व्लॉग आएगा कल का, क्योंकि आज जो मैं साड़ी डालने वाली हूँ या किसी भी प्रोग्राम में जैसे भी अटेंड होंगी वो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। तो ये रही मेरी हरियाली तीज की मेहंदी, जैसे आप देख सकते हैं पूजा सुनील, ठीक है, और ये रही दूसरी मेहंदी। तो हरियाली तीज की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान आपको इसी तरह सुपूर्ण शांति और सात्विक तरीके से हरियाली तीज पे मैं आपको मिलती रहूं, आप मुझे मिलते रहें। अच्छी सी सुंदर सी साड़ी जो कल के व्लॉग में, जैसे आपको पता है कि मेरा ड्रैपिंग चैनल है तो वो आपको ज़रूर मिलेगी, मैंने सोचा मॉर्निंग का पहले गुड न्यूज़ और गुड मॉर्निंग कुछ अच्छे तरीके से, क्लीनिंग वगैरह मेरा हो चुका है, रेगुलर व्लॉग में आप देखते ही हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस व्लॉग को। तो आज की मॉर्निंग बड़ी स्पेशल हो चुकी है, और दिखाते हैं कल मैंने कौन सी साड़ी पहनी थी और आगे कौन सी पहनूंगी। ट्रैपिंग इसी तरह से चलती रहेंगी, व्लॉग्स इस तरह से चलते रहेंगे, रूटीन लाइफ इसी तरह से चलती रहेंगी। तो बाय बाय, करते हैं इंजॉय इन दिस व्लॉग एंड ऑल दिस व्लॉग, एंड माई ऑल सब्सक्राइबर एंड व्यूवर्स इज कंटिन्यू टू फॉलो मी एंड लाइक एंड कमेंट्स ऑल्सो। तो बाय बाय। देखिए एक नई सुबह के साथ आपको दिखाती हूँ। देखो मैं लाई थी मार्केट से ना एक सूट, और वो सूट है ये देखिए। तो ये ग्रीन कलर, आपको पता है कि सावन चल रहा, ग्रीन कलर डालना ही डालना, तो मैंने एक ग्रीन कलर के साथ डाला जरूर है, क्योंकि मुझे जाना था बच्चों के स्कूल पेरेंट्स मीटिंग में। तो कलर और कॉम्बो कितना प्यारा है इस सूट का, तो सावन के टाइम में फिर से ग्रीन कलर का सूट आपके सामने आ गया। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, इस सूट के साथ ना मैंने बनवाई थी एक पटियाला सलवार, और वो दिखाती हूँ। ये है वो पटियाला सलवार, और पटियाला सलवार इतनी बेहतरीन सिल के दी है मेरे टेलर ने, उस बहुत ही हैवी सलवार है। तो ये है इसका कुछ इस तरह का लुक, सेम था सेम, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा मतलब लॉन्ग लगा सूट, तो उस हिसाब से। और इसके साथ मैं क्या करूँगी, ग्रीन कलर का कैरी करूँगी, जैसे ग्रीन कलर का नीचे डाला ना, अब ऊपर डालूंगी और फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो आपको ये सूट कैसा लगा बताइएगा जो, क्योंकि मैं हर तरह की ड्रेसेस वगैरह डालती हूँ। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? हैप्पी तीज ऑल ऑफ यू। और लाइव में मेरा आपने ब्लॉग देखा होगा, तो ये है मेरी साड़ी जो मतलब पहले पटपल्लू में मैंने डाली है इस तरह से, ड्रेपिंग आप देख ही लेंगे मैंने किस तरह से ड्रेपिंग की थी। ये है ड्रेपिंग वीडियो से रिलेटेड भी, और ये है मेरा ओपन पल्लू। तो आप लगातार मेरी वीडियो जो देखते होंगे उन्हें पता है कि मेरा ड्रेप भी आया था, और इसी तरह से मेरी लाइव भी आई थी। तो ये है मेरा, देखिए ड्रेपिंग वीडियो, तो इस तरह से होती है ड्रेपिंग। इसका टेक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर आप टाइमिंग देखें ना, और मुझे कॉम्पिटिशन पे भी कर दें, तो जिस तरह से मुझे साड़ियाँ पसंद है ना, उसी तरह से मेरी स्पीड इतनी ज्यादा है कि आप देखेंगे कि मैं अपनी स्पीड इतनी रेगुलर कर लूंगी। तो ये हो गई हमारी ओपन पल्लू में भी बोल सकते हैं ग्रीन कलर की मस्त वाली साड़ी इस तरह से फिटिंग के साथ। और आज दिखाएंगे आपको हमने क्या बनाया है तीज के महोत्सव पे। चलिए तो हमारे यहाँ पे सामान आता है ना, पहला सिंधारा, तो वो से रिलेटेड पर सामान आया, और आगे दिखाते हैं आपको मैंने क्या क्या बनाया। ये देखिए मैंने बनाई मटर पनीर की सब्जी,
तो जैसे कि आप मेरे ब्लॉग्स देखते हैं और ये है हमारे पास छोले, तो तीज की सबको हार्दिक बधाइयाँ। और सुबह के नाश्ते में बनाए थे मैंने क्या ही समोसे एंड ब्रेड पकौड़े। और कैसे लगे थे समोसे और ब्रेड पकौड़े वो बच्चे? बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच। तो इसी तरह से वीडियो में बने रहिए और इसी तरह की ड्रैपिंग और साड़ी देखते रहिए। बाय बाय। एक तो तीज, ये मेहंदी और चूड़ी और एक फंक्शन जिसमें मैंने किया है ये वाला लुक। ये है मेरी साड़ी और ऊपर सावन हो, फूल खिल रहा था शायद गिर गया बोरा, और देखिए बारिश। तो सारा ही मस्त मौसम हो चुका है, कंटिन्यू वही हो गया है जो होना चाहिए, क्योंकि इस मौसम के साथ और तीज में बारिश ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऑल ऑफ यू माई फ्रेंड्स फॉलोइंग और जितने भी मतलब मेरे सब्सक्राइबर हैं और जितनी मेरी फैमिली है उन सबको हार्दिक बधाइए सब उसकी तीज की। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। क्लोज बुक के साथ देखिए, ये है वो प्रोग्राम जिस प्रोग्राम में मैं आई हूँ इस साड़ी के लुक के साथ। ये है मेरा नेक पीस, इयररिंग्स, और ये है राष्ट्रीय परशुराम परिसर से रिलेटेड एक प्रोग्राम जो मैंने अटेंड किया था, जिसके चीफ जो मैंने बताया था महेश शर्मा जी आएंगे। तो देखिए कंटिन्यू। और ये रहे सुनील जी जो इस कार्यक्रम के कार्यकर्ता हैं, वो अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां जो रहती हैं। हमारे बीच में हमारे भाई अतुल पंडित जी हैं, जिला महासचिव में हमारे राष्ट्रीय परशुराम परिषद में वो भी आए और माननीय सांसद जी का स्वागत करें। वो किसी ने तय नहीं किया, आचार्य जी ने बताया नहीं उसके बारे में, वो अपने ही महेंद्रनाथ पांडे जी हमारे कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के द्वारा ही वो तारीख किया। और ये जानते हुए कि पिता ऋषि पास एक ऐसी विद्या है जब मैं उसे वर में मांगूंगा तो मेरा हाथ यूं ना होकर मेरा हाथ यूं रहेगा कि अगर मैं किसी को 5 रुपए देने की हैसियत नहीं रखता हूं तो 5 रुपए के संस्कार, 500 रुपए के संस्कार देने की शक्ति ईश्वर ने दी है। और ये भी ध्यान रखना, तो आज का फंक्शन जैसे कि मैंने बताया नाश्ता। तो देखिए जहां हम आए हैं वहां मैं
ये तीज का प्रोग्राम चल रहा है, हरियाली तीज है, तो सभी सुहागने ग्रीन कलर की साड़ी के साथ अपने अपने डांस का प्रदर्शन दिखा रही हैं और सारा इकट्ठा होकर इसी तरह से तीज की तैयारी की थी उन्होंने। और डांस और गाने के साथ ही ये मस्ती लगातार चलती रहती है। तीज का मतलब होता है कि मतलब जितना हो सके डांस गाना इंजॉय मस्तियाँ, बस इसी के साथ बस हम हो गए हैं अब रेडी टू गो होम और हम चलेंगे अब घर। तो आ गई हूँ मैं प्रोग्राम से वापस। मैंने डाले थे इस तरह के इयररिंग्स, थोड़ी सी नेक पीस डाला था, दिखा दूंगी आपको। तो इसी तरह की कंटिन्यू वीडियोस और व्लॉग वगैरह जिस तरह से आप मेरे इंटरेस्ट देखते हैं, वहाँ पे मीडिया वगैरह भी आई थी, महेश शर्मा जी आए थे और सुनील भराला जो हमारे वो हैं वो सब भी आए थे सम्मान के तौर पर। ये कुछ इस तरह का प्रोग्राम होता है दिव्य दक्षिणा से रिलेटेड परशुराम जी के उपलक्ष में। तो बस साड़ी वगैरह का जितना रोल था वो मैं निभा चुकी, तो अब करते हैं साड़ी चेंज कर लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, बाय बाय। तो दिन के टाइम में तो आपने देखा था हमने बनवाए थे पकवान, और पकवान में बनाया था मैंने ब्रेड पकौड़े समोसे रिलेटेड। तो थोड़ा सा हल्का सा खाना चाहिए, तो उस हिसाब से हमने बनाई है पतली सी कढ़ी। और ये कढ़ी बनाई किसने, सेजल शर्मा, इसे बहुत पसंद है और इसने इस बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। और हमने यहाँ पे बनाए कढ़ी के साथ राइस, ये रे गर्मा गर्म राइस। जो मेरे डेली व्लॉग देखते हैं उन्हें पता है कि मतलब चावल बनाने के बाद जैसे ही मतलब चावलों को अगर खुला करके मतलब कुकर में से निकाल के रख देते हैं, और यहाँ हो गया दूध गर्म, एरा ऑब्वियस। तो हो गई मेरी डिनर टाइम कंप्लीट हो चुकी है, तो कर लीजिए डिनर और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो गुड नाइट, बाय बाय, एंजॉय दिस व्लॉग एंड अगेन नेक्स्ट 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 कमिंग ऑल ऑफ यू, बाय बाय।